अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बात करेंगे ग्राफिक्स कार्ड नो डिस्प्ले प्रॉब्लम के हवाले से। सबसे पहले डिस्प्ले प्रॉब्लम की बात करते हैं। डिस्प्ले के अलावा दूसरी जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, तो अभी लेकिन इस वीडियो में सिर्फ डिस्प्ले प्रॉब्लम के हवाले से ही बात करेंगे। तो जब हम ग्राफिक्स कार्ड को मदरबोर्ड में इंस्टॉल कर लेते हैं लेकिन वो हमें डिस्प्ले नहीं दे रहा होता, तो अब बात करते हैं इसकी सोल्यूशन की। सबसे पहले चेक कर ले कि जो कार्ड आपने लिया है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। दूसरा ही कि मदरबोर्ड स्लॉट चेक कर लें। अगर दोनों सही है और फिर भी डिस्प्ले नहीं दे रहा, तो फिर इसकी सबसे बड़ी वजह अक्सर ये होती है कि मदरबोर्ड का बायोस अपडेटेड नहीं होता। बायोस अपडेट करने के लिए मदरबोर्ड का जो मॉडल नंबर होता है उसको गूगल में सर्च करें, तो मदरबोर्ड जिस कंपनी का होगा उस कंपनी की वेबसाइट आ जाएगी। आप उस वेबसाइट को खोल लें, वहां ड्राइवर्स पे जाएं, तो अब बात करते हैं ड्राइवर्स इंस्टॉलेशन की। हर मदरबोर्ड ड्राइवर्स को डिफरेंट तरीके से इंस्टॉल करता है। एक तरीका यह है कि डाउनलोडेड फाइल पर क्लिक करें तो वो खुद बखुद इंस्टॉल हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि यूएसबी को बूट करें। यूएसबी बूटेबल बनाने के लिए एचपी यूएसबी डिस्क स्टोरेज फॉर्मेट को इंस्टॉल करें। ये यूएसबी बूटेबल बनाने के लिए एक तरह का सॉफ्टवेयर है, जिस लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल्स को यूएसबी में कॉपी कर लें, इसके बाद सिस्टम को रिस्टार्ट कर लें। तो जैसे ही सिस्टम रिस्टार्ट हो जाए, यूएसबी से बूट करने के लिए बूट बटन को प्रेस करेंगे। हर सिस्टम का बूट की अलग होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके सिस्टम का बूट की कौन सा है। तो जैसे ही यूएसबी बूट होगा तो आपको स्क्रीन पर एक फाइल नजर आएगा, उसको सेलेक्ट कर लें। फाइल सेलेक्ट करने के बाद सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा और बायोस अपडेट खुद बहुत स्टार्ट हो जाएगा। बायोस अपडेट होने के लिए 4 से 5 मिनट लगेंगे, इसके बाद सिस्टम फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा और विंडोज ऑन हो जाएगा, तो आप यूएसबी निकाल लें। इसके बाद सिस्टम को ऑफ कर लें और ग्राफिक्स कार्ड को इंस्टॉल कर लें। बायोस अपडेट के दौरान आपने ये ख्याल रखना है कि बिजली न चली जाए, और अगर बिजली चली गई तो आपका मदरबोर्ड भी गया। उम्मीद है इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें।